सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स कैंप। हम लोगों ने सेकंड क्लास ऑफ प्रोनाउन कर लिया है, जिसमें से हम लोगों ने 20 गोल्डन रूल्स कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, सो उनमें से मैंने आपको 5 क्वेश्चन एज होमवर्क दिया था, और चलो उसका पहले सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट विद रूल नंबर 21। ओके, सो पहला क्वेश्चन है, ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड मी। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी बिटवीन और एंड आ रहा हो, या फिर एक्सेप्ट आ रहा हो, या फिर लेट आ रहा हो, तो इन वर्ड्स के साथ आप हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हो, सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करते। तो बहुत एविडेंट है आंसर, एरर ऑप्शन नंबर सी में है, क्योंकि यहाँ पे आई के जगह पे क्या आएगा, आई के जगह पे मी आएगा। राइट, नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 2। शी इज द सेम गर्ल हु ऑलवेज लाइक्स टू बूस्ट ऑफ हर ब्यूटी। ठीक है, मैंने ये भी आपको बताया था कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में द सेम, द ओनली, एनी वन, नो वन, ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो वहां पर हमेशा दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आता है। राइट, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन दैट आएगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नाउ विल सी सेंटेंस नंबर 3। यू, आई एंड ही शुड टेक दिस एग्जामिनेशन सीरियसली। यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट है बच्चे, कि जब कभी भी तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के एक ही सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, तो वो हमेशा 2-3-1 के सीक्वेंस में यूज किए जाते हैं, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर वही सेंटेंस जो है वो कोई मिस्टेक्स एडमिट करने की बात कर रहा हो, किसी को गिल्टी, मतलब आपके खुद के मिस्टेक्स को एडमिट करने की बात करी जा रही हो, या प्लूरल फॉर्म में यूज किया जा रहा हो, तो ये 2-3-1 फिर 1-2-3 ही हो जाता है, मतलब फिर वहां पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सीक्वेंस में आता है। तो अगर हम इसको देखें तो यू हमारा सेकेंड पर्सन है, तो ये तो करेक्ट है, लेकिन ही हमारा थर्ड पर्सन है और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो बच्चे इन दोनों का प्लेस इंटरचेंज हो जाएगा। सो द राइट आंसर विल बी यू, ही एंड आई शुड टेक दिस एग्जामिनेशन सीरियसली। सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 4। लेट अर्जुन एंड शी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। अच्छा, अभी मैंने बोला कि लेट के साथ क्या आता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, शी तो सब्जेक्टिव केस है, तो शी यहाँ पर गलत है, आप यहाँ पे शी के जगह पे हर यूज करेंगे। सो द एरर इज इन ऑप्शन नंबर 1। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत बच्चों को ये बोलने में बहुत अजीब लग रहा है, मैम कितना अजीब लग रहा है बोलने में, बट बेटा बोलने से ग्रामर के रूल्स नहीं चेंज होते ना, सो यू नीड टू मेमोराइज इट। ओके, नाउ विल सी सेंटेंस नंबर 5। सो सेंटेंस नंबर 5 सेज, अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम जॉइनिंग द ग्रुप, वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। तो मैंने आपको बताया था बच्चे कि जब कभी भी जेरंड यूज किया जाता है, तो जेरंड के साथ हमेशा पजेसिव केस आता है ना, जेरंड के साथ हमेशा पजेसिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस नहीं आता है। अब यहाँ पे ये जो जॉइनिंग वर्ड है, दिस इज व्हाट, दिस इज जेरंड। ठीक है, तो जेरंड के साथ हमें पजेसिव केस लगाना है, लेकिन हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पर हिम ना होकर यहाँ पर क्या होगा, हिज जॉइनिंग द ग्रुप। ओके, सो द आंसर लाइज इन ऑप्शन नंबर B. So I hope all the 5 sentences are clear to everyone. किसी भी sentence में कोई doubt रह गया हो तो आप अपना जो doubt है वो comment section में हमें भेज दीजिए, we will clear it out. या अगर आप मुझसे directly बात करना चाहते हैं तो description box में हमारे telegram channel का link है, आप वहाँ पे telegram channel join करिए और आप मुझसे directly doubt discussion कर सकते हैं. Okay, so now we'll carry forward and start with the new rules of today. सो प्रोनाउन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में खत्म कर लिया था, तो आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि भाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है। नाम से ही बहुत ज्यादा एविडेंट है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का जो अग्रीमेंट है उसको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। जब सब्जेक्ट और वर्ब आपस में अग्री करे तो वो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहलाता है। ओके, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब आपस में अग्री कैसे करेंगे, तो सब्जेक्ट और वर्ब को आपस में अग्री करने के लिए छोटा सा कंसेप्ट है यहाँ पर, कि जब कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वर्ब सिंगुलर होता है, जब कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है वर्ब प्लूरल होता है। सिर्फ इसी बेसिस पे हम पूरा का पूरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को समझ लेंगे और जो इम्पोर्टेंट रूल्स है वी विल डिस्कस इट। ओके, नाउ विल सी। तो सबसे पहला रूल कहता है, इफ टू सिंगुलर नाउन्स रेफर्स टू द सेम पर्सन द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। देखो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट समझाती हूँ, दो सब्जेक्ट है एंड से कनेक्टेड है, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे वर्ब, आप वहां पे वर्ब प्लूरल यूज करेंगे, जैसे कि राम एंड श्याम, तो आर गुड फ्रेंड्स।
ठीक है, लेकिन जब कभी भी दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है लेकिन वो दोनों सब्जेक्ट किसी एक पर्सन को रेफर कर रहा है, रेफरिंग टू अ सिंगल एंटिटी, ठीक है, रेफरिंग टू सिंगल एंटिटी, अगर वो सिंगल एंटिटी को रेफर कर रहा है तो वर्ब यहाँ पे प्लूरल ना आकर वर्ब यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड अलग से नाउन है, बटर अलग से नाउन है, लेकिन वो सिंगुलर एंटिटी ब्रेकफास्ट को डिनोट करने की कोशिश कर रहा है तो हम वहां पे वर्ब सिंगुलर लगाते हैं, ठीक है। इन अ सिमिलर मैनर बच्चे यहाँ पर एक और छोटा सा कंसेप्ट है, वो ये है कि जब कभी भी दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड हैं और सिर्फ पहले सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल यूज है, ठीक है, टू सब्जेक्ट आर कनेक्टेड विद एंड और जो आर्टिकल है वो केवल फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हैं, तो वो एक ही पर्सन के दो क्वालिटी को डिफाइन कर रहा होता है, इस वजह से वर्ब वहां पर सिंगुलर आता है। लेकिन अगर दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्टेड है और दोनों के पहले आर्टिकल लग जाए, है ना, दोनों के पहले आर्टिकल लग जाए, दोनों के पहले मतलब यहाँ पर भी आर्टिकल लग जाए और यहाँ पर भी आर्टिकल लग जाए, तो जो वर्ब यूज किया जाएगा वो वर्ब प्लूरल होगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग, मतलब एक ही पर्सन है जो सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आर नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, इज आएगा, क्योंकि बात सिंगल पर्सन की करी जा रही है। ओके, सो नाउ आई होप दिस रूल इज क्लियर टू एवरीवन। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं, इफ द सिंगुलर पर्सन आर प्रिसीडेड बाई ईच और एवरी, द वर्ब इज यूजली सिंगुलर, ठीक है। जैसे कि दो सब्जेक्ट है और एंड से कनेक्टेड है, ठीक है, और यहां पर आप ईच लगा दो या फिर एवरी लगा दो, ठीक है, या दोनों जगह पे ईच और एवरी लगा दो, तो उसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो सिंगुलर ही होगा, यूजुअली सिंगुलर होगा, ठीक है। एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी, नहीं, एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी, ईच एंड एवरी अगर सब्जेक्ट के पहले आ जाता है तो वर्ब यूजुअली सिंगुलर होता है। ओके, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरी वन। नाउ विल सी रूल नंबर 23, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, सबको समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर दो सब्जेक्ट, रूल नंबर 23 सेज कि when two subjects are connected with these words, which words as well as like, unlike, besides, in addition to, and not, where, together with, along with, rather than, no less than, except, nothing but, in words से अगर दो subjects connected हैं, तो जो verb आता है, वो verb हमेशा first subject के according आएगा। ओके, नाउ इफ द फर्स्ट सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब विल बी सिंगुलर, अगर पहला सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा, ठीक है। व्हेनेवर टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड विद दीज वर्ड्स लाइक एज वेल एज लाइक अनलाइक बिसाइड्स इन एडिशन टू एंड नॉट विद टुगेदर विद अलोंग विद रादर देन अकंपनीड बाय नो लेस देन एक्सेप्ट नथिंग बट देन वर्ब विल ऑलवेज अग्री विद फर्स्ट सब्जेक्ट। ओके, नाउ विल हैव अ लुक एट अ सेंटेंस, द चीफ विथ ऑल हिज मेन, देखो मेन भी है चीफ भी जा रहा है, तो लग रहा है कि यार प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाना चाहिए, नहीं बच्चे, क्योंकि ये यहाँ पे विथ से कनेक्टेड है, जो अब वर्ब है वो सिर्फ और सिर्फ द चीफ से अग्री करवाएंगे, द चीफ सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, दिस इज द कंसेप्ट। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर, अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी को कोई डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सो नाउ रूल नंबर 24, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय नॉट ओनली बट आल्सो नीदर नॉर ईदर और नन बट, मतलब देखो हम लोग सब जानते हैं ना कि नॉट ओनली हमेशा बट आल्सो के पैर में आता है, ठीक है, नॉट ओनली हमेशा बट आल्सो के पैर में आता है, नीदर हमेशा नॉर के पैर में आता है ना, ईदर हमेशा और के पैर में आता है, और नन हमेशा बट के पैर में आता है, ठीक है, नन हमेशा बट के पैर में आता है। अब यहां पर एक सब्जेक्ट है, अगेन यहां पर एक सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब है बच्चे वो हमेशा नियर बाय सब्जेक्ट से एग्री करेगा, सेकेंड सब्जेक्ट से एग्री करेगा, एज वेल एज टुगेदर विद अलोंग विद अकम्पनीड बाय नथिंग बट, उनमें वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एग्री करता था, लेकिन ये जो पैर वाले कंजंक्शन होते हैं, पैर वाले कंजंक्शन में वर्ब जो है वो नियर बाय
सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा. नियर बाई सब्जेक्ट जैसा भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे. जैसे कि हम यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर हिज फ्रेंड्स है विच इज प्लूरल, तो यू विल बी यूजिंग प्लूरल वर्ब हियर. सो आई होप दिस इज क्लियर. बहुत सारे बच्चों को तो ये कॉन्सेप्ट्स पहले से भी पता होगा, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, रूल नंबर 25 सेज व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट नंबर्स द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब. कहने का मतलब ये है कि मान लो कि नीदर नॉर से आप दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, आप दो सब्जेक्ट को ज्वाइन कर रहे हैं. ठीक है, एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट प्लूरल है. तो बेटा जो प्लूरल वाला सब्जेक्ट होता है ना, उसको आप हमेशा लास्ट में लिखते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट्स को पहले लिखते हैं. ठीक है, और वर्ब जो है वो नियर बाय सब्जेक्ट से अग्री कराते हैं. फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब कभी भी दो सब्जेक्ट इन वर्ड से कनेक्टेड है, सपोज नीदर नॉर या भी यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, तो जब कभी भी दो सब्जेक्ट इन वर्ड से या ईदर और से कनेक्टेड हो, दो सब्जेक्ट, तो और जो दो सब्जेक्ट्स है उसमें एक सिंगुलर एक प्लूरल यूज किया जा रहा हो, तो सिंगुलर वाला सब्जेक्ट पहले यूज होगा और प्लूरल वाला सब्जेक्ट हमेशा बाद में यूज होगा, और जो वर्ब आएगा वो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा. डू मेमोराइज इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Now we'll see rule number 26. Rule number 26 is also very important. Many हम सब जानते हैं ना, many जैसे नाम ही लेते हैं, तो countable noun के लिए many use होता है, much uncountable noun के लिए use किया जाता है. ठीक है, लेकिन हम सब जानते हैं many का मतलब ही होता है बहुत, है ना. लेकिन बेटा अगर many के बाद a और an article use कर दिया जाए तो many के बाद singular subject, singular verb आता है. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर मैनी के बाद ए और एन आर्टिकल यूज कर दिया जाए तो उसके बाद आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है और उसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होता है. मोर देन वन, एक से ज्यादा, सुनने में तो हमें लगता है कि एक से ज्यादा है, लेकिन स्टिल जब भी हम मोर देन वन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आप वहां पे वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर नाउन और सिंगुलर सिंगुलर वर्ब लगाते हैं. Have a look at the examples I have written here. Many a man have come to the party. Many a man नहीं होगा. This is incorrect. Many a man is correct, लेकिन verb भी तो singular आएगा ना man के according. So this is also incorrect. लेकिन many a man has come to the party is absolutely right sentence. ठीक है, बहुत बार ये exam में पूछा गया, especially in SSC examination. More than one girls were present. Girls were गलत है. More than one girl is correct, लेकिन verb नहीं आएगा. So more than one girl was present and this is absolutely right. So many के बाद अगर a और an article आ जाए या more than one word use किया गया है तो उसके साथ आप हमेशा singular noun and singular verb use करेंगे. This is rule number 26. So I hope this is clear to everyone. Now we'll see rule number 27. Rule number 27 says the inverted form of verb is used in the following cases. Inverted form of verb का मतलब क्या होता है? Inverted form of verb का मतलब होता है कि आप पहले helping verb use करेंगे, फिर subject use करेंगे और फिर main verb use करेंगे. This is what we call inverted form of verb. ठीक है, लेकिन ये inverted form of verb हम use कब करते हैं? When the sentence is introduced by an adverb, मतलब sentence जो है वो adverb से start हो रहा हो, hardly, scarcely, barely, इनसे start हो रहा हो. When the verb is meant to express a wish or prayer, और बेटा जब भी हम wish और prayer express कर रहे होते हैं तो हम हमेशा may लगाते हैं. ठीक है, तो या तो सेंटेंस मे से स्टार्ट हो रहा हो या तो सेंटेंस किसी एडवर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो हम हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. और इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है? पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब. दिस इज व्हाट इज इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. एडवर्ब और मे से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इन्वर्टेड वर्जन यूज करेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे. सेंटेंस देखते हैं. Hardly had I reached the station. Hardly मतलब क्या? Hardly मतलब adverb. अब hardly adverb है तो पहले helping verb लगा हुआ है, फिर subject लगा हुआ है और फिर आपका main verb लगा हुआ है. तो ये जो sentence है ये correct है. और हाँ, hardly जो word है बच्चे, hardly हमेशा pair when के साथ ही बनाता है. अगर hardly sentence में use है तो pair हमेशा और हमेशा when के साथ बनेगा.
ठीक है, मे यू गेट ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। बेटा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं किया गया है, तो आप यहाँ पे विदाउट हेल्पिंग वर्ब लगा ये कर दे रहे हैं, मे यू गेट ग्रेट सक्सेस इन लाइफ। बट अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा विश करते हैं, मे गॉड ब्लेस यू हम कहते हैं, है ना, बेसिकली आप किसी के लिए कुछ विश कर रहे होते हैं, तो आप उसको वहां पे इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ विल सी रूल नंबर 28। सो रूल नंबर 28 सेज व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विद इट द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जब कोई सेंटेंस इट से बिगिन हो रहा हो तो इट क्या होता है, इट हमेशा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। इट क्या होता है, इट आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। तो जब कभी भी आप इंट्रोडक्शन करें, इट इज आई, आप खुद को इंट्रोड्यूस करें ना, इट इज आई, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो क्या करेगा, वो हमेशा आई के अनुसार आएगा। इट विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू आई। अगर यहाँ पे लिखा होता है इट इज ही, तो हम ही के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। इट इज शी, तो हम शी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। इट इज यू, तो हम यू के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। मतलब अगर इट से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब जो है उसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, या जिसको इट इंट्रोड्यूस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब अग्री करेगा। सो द राइट सेंटेंस विल बी इट इज आई हु एम टू अटेंड द पार्टी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। Now, next one, it is the apple that are full of antioxidants. It is the apple that are, यहाँ पे apple की बात करी गई है, तो आप are कैसे लगा सकते हो? लेकिन अगर यहाँ पे apples होता तो are correct है, और अगर apple है तो आप are नहीं लगाओगे, is लगाओगे, क्योंकि जो आपका relative pronoun है उसके just पहले जो subject आया हुआ है उसके according verb agree करेगा। Okay, so I hope this is clear to everyone. Now we'll see the next rule. The next rule says, Next rule says, a large number of is followed by a singular verb, while the large number of is followed by a plural verb. है ना? A large number of. बहुत सारा number define कर रहा है. A large number of के साथ आप हमेशा plural countable noun use करते हैं, और इसके साथ हमेशा plural verb आता है. ठीक है, और जब कभी भी आप द लार्ज नंबर ऑफ कहते हो तो द लार्ज नंबर ऑफ के साथ आप प्लूरल काउंटेबल नाउन ही यूज करते हो, लेकिन इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है, क्योंकि वर्ब जो है वो द लार्ज नंबर ऑफ के साथ अग्री करता है, और द जो है वो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को स्पेसिफिक बना देता है, और स्पेसिफिक क्वांटिटी के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, इस वजह से द लार्ज नंबर ऑफ के साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ओके, नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स, आई विल जस्ट डिलीट इट। आप लोग सब बेटा इस फॉर्म में लिख लिया करो, क्योंकि फ्लो चार्ट फॉर्म में मेमोराइज करना या रिविजन करने में आसानी होती है। ठीक है, तो जो मैं अलग से लिखती हूँ उसको लिख लिया करो। हालांकि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ले सकते हो। ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट। तो वाज एब्सेंट क्या है, वाज एब्सेंट गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अ लार्ज नंबर यूज है, तो अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे द नंबर ऑफ है या द लार्ज नंबर ऑफ है, ठीक है, तो द नंबर ऑफ टूरिस्ट है, तो द के साथ मैंने क्या बोला, हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, तो हैज इज करेक्ट। द नंबर ऑफ टूरिस्ट हैज ग्रेजुअली फॉलन ऑफ, यहाँ पे हैव इनकरेक्ट है। अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब, द लार्ज नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब, दिस इज द कंसेप्ट। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। Now we'll see the last rule for today. So the last rule says it's high time, it's about time, it's time. It's high time. Halaki ye tense ka concept hai. It's high time. It's time. It's about time. इसके बाद इट्स हाई टाइम टू डू दिस वर्क, अगर टू आया हुआ है तो अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इट्स हाई टाइम टू डू दिस वर्क, इट्स हाई टाइम टू कंप्लीट योर टास्क, इट्स हाई टाइम टू गो टू स्लीप, बिल्कुल सही है। ठीक है,
लेकिन अगर इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम के बाद सब्जेक्ट आ जाता है तो सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है. ठीक है, सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है. इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड, गलत है. यू सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यू के साथ आप क्या करोगे, हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म करोगे. सो इट इज इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड वर्किंग हार्ड. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट. इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम के बाद अगर टू आया हुआ है प्रपोजिशन तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे. लेकिन अगर इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम के बाद कोई सब्जेक्ट यूज है तो सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो आई होप ऑल द रूल्स आर क्लियर टू एवरीवन. अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी को किसी भी रूल में डाउट है तो आप बेझिझक हमारा कमेंट सेक्शन में तो आप पूछ ही सकते हो. उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल में मुझसे वन टू वन डिस्कशन कर सकते हो. नाउ बच्चे, द रूल्स वी हैव डिस्कस टुडे ऑन दैट बेसिस, दीज आर द सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आई वांट यू टू टेक स्क्रीनशॉट एंड डू इट एज योर होमवर्क. वी विल मीट यू, लाइक आई विल मीट यू ऑन थर्सडे एट 6 PM. तो वहां पर पहले मैं इसके आंसर्स बताऊंगी और फिर आगे के रूल्स करेंगे फ्रॉम 31 to 40. So stay tuned, take care, bye bye, see ya.